कर दे क्या इंस्टो को जा 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 ले रस वो चले जाओ इधर मत जाते ना हम उठ जाते हैं यहाँ चल जाते हैं तब होगा कृपया शांति बनाइएगा तो मजा आएगा चाहा है तुझको मोबाइल बंद कर लीजिए मोबाइल बंद कर लीजिए आप मोबाइल बंद कीजिए क्या कीजिएगा सर सब हीरो शांति चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम मर के दिल से ये प्यार ना होगा कम तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं क्या ये जिंदगानी है बस तेरी कहानी है बस तेरी कहानी है ये जो जिंदगानी है चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम मन के भी दिल से ये प्यार न होगा कम तेरी वो बातें वो चाहत की रश्में झूठे थे वादे क्या झूठी थी कसमें जाने तमन्ना क्या ये सच है बस इतना कहे टूट जाए ना लम्हा ऐतबार का हो गया सर बस इतनी बार छोड़ूंगा मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के मुझे यारा तेरी यारी को तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा बिना गुजारा तेरे जैसा यार सब आके परेशान करने वीडियो तो सही से बनने नहीं देते सर सुनेंगे सारे दर्द और गाना कौन कौन वो भी सुन लीजिए रोने के लिए तैयार रही है सबसे पहला गाना है जिंदगी सवारी मुझको गले लगा दूसरा गाना है तुमको भी है खबर मुझको भी है खबर तीसरा है सर 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 जाइए ना बोले केक पर आशीष पहले अरे छोटी सी प्यारी सी नदी सी सर जी कैसे ले वीडियो नहीं हो रहा है
लेना कुछ नहीं आया प्रोफेसर, एक एक कोई लड़का नहीं। आप बैठे रहो, बैठ के ही वहीं से खींचना है। कैसे ये गाना आप लोग सुने हैं ना, बैठ जाइए आप वहीं से खींचिए, बैठे रहिए भाई, पीछे भी बच्चा है आपके। छोटी सी प्यारी सी ननी सी आई कोई पड़ी, भोली सी प्यारी सी अच्छी सी, ऐसी ना है सर, आई कोई पड़ी। जिसके आगे तो गाना ही नहीं आ रहा है। आगे भैया सर है ना, साथ में है। हो गया, रेडी है। पालने में ऐसे ही झूमती रही, गाती मुस्कुराती संगीत की तरह, ये तो लगे अनुसर के की तरह। एक बार सब लोग एक साथ गाएंगे, छोटी सी प्यारी सी ननी सी आई कोई पड़ी, छोटी सी प्यारी सी ननी सी आई कोई पड़ी, बालने में बालने में ऐसे ही झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे नज़र की गीत की तरह। रा रू रा रा रू रा रू सर चक्कू तो वहाँ पर याद आ गया। खुशी याद देती है, दुख ले लेती है, माँ के ममता के मोल ना कोई, आगे नहीं आता है। नाम गिरे ले रहा हूँ, पिक्चर ले लियो ना। यस हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू Happy birthday to Sandra, happy birthday to you. Sir, तने पकड़ आओ के कई कर तुला रुआ ना है तो सर। यस यस अमित अमित यस रा थोड़ा थोड़ा खिलाइए, चलो बेटा, चलो रुको। ए बर्थडे का चीना से एक बार चलिए, हम चाहेंगे आप लोग अपने जगह पे ही बैठे रहें और इस पेज के आगे का विजय सर एक गाना सुनाएंगे। तब तक सर नहीं जानता प्लीज चमक रहा है, अब ना होगा इतने होगा इतने। हम आपको आपको शुभकामना दे रहे हैं, ठीक है। और आगे सुनिए सर जो कुछ कह रहे हैं, दो पॉइंट बता रहे हैं, बोलिए। I am very happy that you have given me a good opportunity to say something or to teach you at my level best.
But the thing is that whether you are going to do a level best in your exam or not, that depends upon you. Because I just got 1 month time, and within 1 month time, I have tried my best. I work hard. And I also think that you must also work hard for your exam. Because percentage, especially in English, play a very important role in your future career. Because in the modern age, as I told you that English play a role of communication between different people, between the people of different part of our society. So if you are capable of communicating your feelings, your ideas to other people in English language, then you will get a respectful place in your life plus in the society. Okay? The thing is that I could not express my feeling in Hindi. Because everyone knows that some words in Hindi and English both are changed to express their feelings. So feelings cannot match the other language. आपके अंदर जो भावनाएं होती है वो आपके मदर टंग में ही निकलती है. जैसे अगर हमको कैसा दर्द हो रहा है, अगर ये बताना हो तो हिंदी में कहते हैं कि दर्द जो रहा है चुभ रहा है शीशे की तरह या कांटे की तरह. अब ये सर जो है इस हिंदी में नहीं बता सकते, उसका फीलिंग ये अंग्रेजी में ही देगी. इसलिए ये चाहते हैं कि अपने मन की जो भाव है, आपके साथ जो बिताए हैं, वो सारे इंग्लिश में ही बोलेंगे. The thing is that, you know, I like that you should also become better than me. Because students are always better than teacher in their future career. Teacher always remain teacher from the life. But some students may become engineer, some may doctor, some may IAS, and some may scientist also. Sir, कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं वो शिक्षक से कहीं बेहतर होते हैं, क्योंकि टीचर जो होते हैं से टीचर ही रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो ऐसे डॉक्टर इंजीनियर या आईएएस या बहुत सारे पोस्ट को पा लेते. मतलब आप में से कुछ डॉक्टर भी बन सकता है, कोई इंजीनियर भी बन सकता है. मतलब आपके पास टैलेंट है, आपके पास प्रतिभा है. ठीक है, फिर मत लास्ट जो ये दोनों पे बताइए जल्दी से. सो वन थिंग लाइक टू से दैट यू शुड ऑलवेज रिमेन इन डिसिप्लिन. ओके, डिसिप्लिन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पार्ट्स ऑफ लाइफ, इन द वर्क ऑफ लाइफ. Because anywhere you go, you should try to remain in good discipline. You saw that I know better than you. You don't always assume yourself that other person know better than you. You think I know better than you. कहीं भी जाइए, अनुशासन को सबसे ऊपर रखना है, अनुशासित रहना है, अनुशासन में ही सारे कार्य को करना है. And if you are in discipline, your mind will be always in peaceful mood. So, अगर आप अनुशासन में रहेंगे तो आपका दिमाग सही रहेगा. सो ऑलवेज कल्टिवेट द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन, द हैबिट ऑफ ऑनेस्टी, द हैबिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग, व्हाट डज अदर वांट्स टू से. यू ऑलवेज गिव अ कोऑपरेटिव हैंड टुवर्ड्स अदर, बिकॉज यू ऑलवेज डिमांड कोऑपरेटिव हैंड फ्रॉम अदर्स. And you don't give from your side. तो कहने का मतलब जो देने वाला हमेशा ही बड़ा होता है. तो आप लोग अगर दूसरे को दीजिएगा तो उसे 3 गुना 10 गुना 1000 गुना भी ज्यादा वो व्यक्ति आपको देने का प्रयास करेगा. लेकिन पहले आप देने का प्रयास कीजिए अपने साइड से. आप अपने क्षमता के हिसाब से आप दीजिए दूसरे को, आप अपने समाज को दीजिए, आप अपने इन्वायरमेंट को दीजिए जहाँ पे आप रहते हैं. दिखाइए जो हाँ भाई हम क्लास 12 की स्टूडेंट है एंड आई एम फिट फॉर दैट. ये नहीं हम क्लास 12 की स्टूडेंट है और बिहेवियर मेरा क्लास 5-6 का स्टूडेंट से भी खराब है. जैसे खास करके आजकल हम देखते हैं बच्चे में, बच्चे अपना लेवल गिरा देते हैं. तो आप अपने लेवल को हमेशा ऊपर रखिए. और ये हम हमेशा भगवान से दुआ करेंगे जो भगवान आपको इतना आशीर्वाद दे जो आप अपने मंजिल, जो भी आपका सपना है वो आपका पूरा हो. चलिए
अनुशासन में रहेंगे, कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होगा, दिमाग शांत रहेगा। अब हम चाहेंगे हमारी बीच में एक बच्ची का सर आज जन्मदिन भी है, क्योंकि कल जन्मदिन है लेकिन आज विदा हो रहा है, इसलिए आज हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। तो हम चाहेंगे बाबू प्लीज आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए, मुस्कुराते जाइए, परीक्षा हॉल में मुस्कुराते आइए। सर आपको इतना पढ़ाए हैं, आपने इतना पढ़ा है, आपने इतना मेहनत किया है कि जब आप परीक्षा हॉल में जाइएगा तो लगेगा कि सर लगता है शायद सारे क्वेश्चन सेट किए, ऐसा आभास होगा आपको। तब होगा जब परीक्षा में आप बैठिएगा, जब एग्जाम दीजिएगा, तब आपको ऐसा आभास होगा, क्योंकि सर का अनुभव है, इतना दिन से पढ़ाते हैं, तो आप जानते भी हैं कि यहाँ से जो लोग जो है जिला टॉप भी करता है, अच्छा अंक लाता है। तो सिर्फ आप लोग वहाँ जाइए, मुस्कुराते हुए जाइए और मुस्कुराते हुए बाहर निकलिएगा, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, घबराइएगा तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। एकदम मन बना लीजिएगा, कुछ है ये नहीं है, जो हमने पढ़ा है वही वहाँ पूछने वाला है, मतलब कुछ नहीं पूछेगा, जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने मेहनत किया है, उससे बाहर वो कुछ देने भी नहीं जा रहा है, और जितना हमको आता है उतना ही पूछेगा, ठीक है, उसे कुछ ज्यादा नहीं पूछने वाला है। इसलिए राजेंद्र बाबू की तरह जाइए, राजेंद्र बाबू का नाम सुने हैं ना, जी सर, उनके तरह जाइए, कलम दो गो चार गो लेकर के जाइए, एकदम उधर से लिखते हुए एकदम मुस्कुराते हुए आइए, फिर रोज प्रत्येक दिन का काम यही करना है, मुस्कुराते हुए जाना है, मुस्कुराते हुए बाहर आना है, और रिजल्ट भी रहेगा तो मुस्कुराते हुए देखिएगा। जैसे उनका नंबर जो है 80%, 85%, 75% के करीब उठ रहा है, आप खुश रहिएगा, आपके माता पिता खुश रहेंगे, अभी से खुश रहना है। आप अभी ना लग रहा है जो अभी क्या होगा, नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, आप वहाँ जाइए, आपको पेपर मिला लग रहा है, कुछ नहीं है, ये तो हलवा है, बस चटनी है, खाने वाला चीज है, कुछ नहीं है, एकदम पढ़ा हुआ है, कौन घबराता है? घबराता वैसा व्यक्ति है जो कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सिलेबस देखा ही नहीं। अब घास छीले वाला लोग कहे हम आईएएस न बन ली, कहीं तो गुरु बेकूफा ही ना, सिलेबस जाना नहीं, परखा नहीं, आ कहता है जब हम आईएएस नहीं बने किस्मत मेरा खराब है। अरे बेकूफ तो पढ़े नहीं क्या, तो किस्मत खराब कहाँ थी, पढ़ेगा तब ना तुम्हारा किस्मत खराब है कि अच्छा है उसका जजमेंट होगा। इसलिए आप लोग तो पढ़े हुए हैं, आप लोग पढ़े हुए इंसान है, अच्छे नंबर से पास कीजिएगा, ये हमको आशा है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आपने मेहनत किया है। इसीलिए और जाते समय हल्का भोजन कीजिए, फास्ट फूड भोजन जिसको बोला जाता है, ये नहीं जो पकवान पूरा खा लिए, पूरी खा लिए, ऐसा जो घर में बना करके मम्मी है तो बेटा हमारे परीक्षा देवे जाइए, अगर खूब बढ़िया बढ़िया चीज बना कर दो तो फिर घरों को आपको शौचालय खोज रहा इसलिए जो है एकदम साधारण भोजन, सिंपल भोजन, फास्ट फूड भोजन एकदम करना है और जाना है, और हर्ष उल्लास के साथ जाना है, और हर्ष उल्लास के साथ परीक्षा देना है, अगल बगल से मतलब नहीं रखना है, क्योंकि अगल बगल वाला बेवकूफ होता है, बगल वाला को आप सोचिएगा ये तेज है, वो आपसे महाबेवकूफ, इसी परीक्षा में हमको भेटाया। हम एलडीसी के परीक्षा दे रहे थे तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट था परीक्षा का, तो उस पूछे बगल वाला से जो आपका क्या चीज पेपर टाइट है, हमारे तो सब चीज टाइट है, सब चीज टाइट है, तो हम कहे कि ये काम कीजिए, तो ये को पेपर आप सॉल्व कीजिए, हम करेंगे, क्योंकि समय का उसमें महत्व होता है, तो हम कहे कि एक काम कीजिए आप, तो वो कहा ठीक है भाई आप इंग्लिश बनाइए, हम मैथ बनाते हैं, ये ठीक है बनाइए, तो उसको हम 9 को इंग्लिश बताया तो 9 सही हो गया, हमारा 12 को मैथ बताया तो 12 बन गया। जब कॉपी हम अपना जब हम मैथ अपने बनाते हैं उस विश्वास पर हम तो मार दिए, देखिए समय बच रहा है, अब वही 12 को नंबर हमारे रिजल्ट को खराब कर दिया। देखिए जब हम बना करके यहाँ करके तो 12 क्वेश्चन गलती बताया, इसलिए बगल वाला कंपटीशन में तो दुश्मन होता है, जी सर, बैठल है तो हमारा दुश्मन है, लेकिन इसमें तो दुश्मन नहीं है, लेकिन वहाँ तो आप किसी के चक्कर में डिस्टर्ब नहीं होइएगा, आपको आ रहा है, कोई पूछेगा भाई तू नंबर बतावे ना, 3 नंबर बता के पड़े हुए, आपका कलम चल रहा है, वो बेचारा बैठल है, क्या होगा, प्रभावित होगा, जो कुछ दे दे तो हम लिखे, तो पहले अपर काम कर लेंगे, बचेगा माया दया आएगा तो उसका भी काम कर देंगे, माया दया अगर ना आए, देखे जो अपना काम से फुर्सत नहीं तो छोड़ो भाई जाओ, तुम तो पढ़ा नहीं है कभी, पढ़ा नहीं तो कुछ करेगा भी नहीं, हम पढ़े हुए हैं, अच्छा नंबर लाएंगे, अच्छा नंबर लाएंगे तो जिंदगी में अच्छा काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसे जनरल कंपटीशन की तैयारी हम लोग कराते हैं,
जनरल की तैयारी कराते हैं तो हमारे मार्गदर्शन में आइएगा। तो अभी तक मेरा अनुभव है और रिकॉर्ड है जो जितना को पढ़ाए हैं लगभग लगभग सब जो है कहीं ना कहीं जॉब में है ये है और होगा, चूंकि हम लोग उतना काम करते हैं, बच्चे के प्रति हम लोग मेहनत करते हैं। क्या नया चीज आ रहा है, क्या चीज अभी तक पूछा, अभी देखिए NTPC एग्जाम में अभी जितना हमारे असाइनमेंट है उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं। लड़का से परीक्षा देकर खुश होकर के आता है, कोलकाता सर 90+95+100 में अटेम्प्ट करके आए, बहुत खुशी होता है जो चलो हमने पढ़ाया मिला, और मिलता ही नहीं, काहे नहीं मिलेगा, हम कामें वही कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लड़का पर तो मिलेगा ही। आप लोग भी मेहनत किए हैं, पढ़े हैं, सर ने मेहनत करके पढ़ाया है आपको, जरूर अच्छा कीजिएगा और अच्छा होना है, कीजिएगा क्या, बस अच्छा हो गए आप लोग समझिए, बस सिर्फ जाना है मुस्कुराते हुए और परीक्षा दे करके मुस्कुराते हुए निकलना है। बेस्ट ऑफ लक। हम चाहेंगे कि संतोष सर अपनी बातों को अपना, तो आप सभी को जैसा कि पता है कि जिंदगी उतार चढ़ाव से भरा होता है और एक न एक दिन हम लोगों को जाना ही पड़ता है। जिस तरीके से आपने 1 फरवरी को यहाँ पे कदम रखा था क्लास 12 में, उसके बाद संजोग बस ये तो होते रहता है, प्रकृति का खेल चलते रहता है, लेकिन हम लोग कभी घबराते नहीं है। कुछ दिन क्लास चलने के बाद लॉकडाउन की प्रक्रिया हो गई शुरुआत COVID-19 के वजह से, लेकिन हम लोगों ने उसमें भी हार नहीं मानी, लगातार संपर्क में रहे। अनिल सर ने भी व्हाट्सएप के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से आपको मैक्सिमम कोशिश किया कि आपको कुछ जानकारी मिलती रहे। और उसके बाद लॉकडाउन के बाद जब हम लोगों ने करीब 17 सितंबर को फिर से वापस आए, आप लोग बड़ी लालायित थे, बड़ी उत्सुक थे, जिज्ञासु थे कि हम लोगों को एक बार बढ़िया संस्था में फिर से एक बार कुछ करने का मौका मिले। और आप लोगों ने काफी इंतजार भी करवाया गया, कहा गया कि जुलाई में स्टार्ट होगा, अगस्त में होगा, लेकिन हम लोग मजबूर थे कहीं ना कहीं प्रशासन व्यवस्था से और अपने सुरक्षा की व्यवस्था से भी, क्योंकि जब तक शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर हम लोग करेंगे क्या। जिसके कारण फिर भी हम लोगों ने रिस्क लिया, बहुत सारे लोगों से बातचीत करके, सर ने भी बातचीत किए और वहां से मैनेजमेंट को मैनेज करते हुए उन लोगों को 17 सितंबर को हम लोगों ने फिर से यहाँ पे कदम रखा। यही धरती गवाह बनेगी आपका। और उसके बाद हम लोगों का सिलसिला चलना शुरू हुआ और 17 सितंबर या जुलाई था अगस्त को तो 17 अगस्त को हम लोगों ने रखा। उसके बाद क्लास चलती रही, हम लोग डरते रहे क्योंकि जो एक COVID-19 का प्रकोप था पूरी हम लोग भयभीत हो चुके थे इससे, लेकिन हम लोगों ने पूरा मास्क में और दो दो स्टूडेंट के एक बेंच पर बैठा के क्लास को लगाया, सक्षम नहीं हो पा रहा था, फिर भी धीरे धीरे स्थिति सुधरती गई। और उसके बाद एक समय आया जो कि शिक्षकों के आदर सम्मान का होता है, 5 सितंबर का दिन, जिसमें पूरा उल्लास के साथ आप लोगों ने उसको आदर के साथ हम लोगों के साथ समय बिताए, हम लोगों ने भी आपको कुछ देने का प्रयास किया भरसक। और उसके बाद क्लास फिर चलती रही, बीच बीच में हम लोगों ने भरसक प्रयास किया कि आपके सिलेबस को पूरी तरह समाप्त किया जाए। आखिर लास्ट होते होते जहां बहुत कम सिलेबस था हम लोगों ने तेजी लाया और जो भी क्लास था साइकोलॉजी हिस्ट्री या हिंदी इंग्लिश, लोगों को डर लग रहा था खासकर हिंदी इंग्लिश पर भी कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमने उसको तेजी से हटाया, समाप्त ही नहीं किया बल्कि एक सृजनात्मकता की ओर बढ़ाया। सर ने भी अपना क्लास दिया भरपूर और यही, और बीच बीच में हम लोगों के बीच बहुत सारे ऐसे मुद्दे आने लगे, नहीं कभी हम आपको डांटने लगे, कभी आपने हल्ला किया, भरपूर हल्ला किया, नहीं उसके बाद हमने उसी में बहुत सारे बातें भी किया, चूंकि माता पिता से भी बढ़ के गुरु होते हैं। हम लोगों ने कुछ, चूंकि आप सभी को पता है कि हम लोग बोलने में कभी पीछे नहीं हटते हैं और एक परिवार है, कभी सोचते भी नहीं कि हमने क्या बोल दिया क्या नहीं बोला, आप पर क्या असर पड़ा। और धीरे धीरे आप लोग एक तरह से पूरी संस्कृति में ढले हुए व्यक्ति हैं और यहाँ के संस्कृति को समझे। हम लोगों ने कितना भी डांटा कितना भी बोला लेकिन आप कभी भी विचलित नहीं हुए और आप लोगों ने अपना काम किया, यहाँ तक कि वर्क ना करने पर फाइन का भी व्यवस्था हम लोगों ने किया, मजबूर होकर किया, मन नहीं था क्योंकि फाइन जो है कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हम लोग पूरी तरह मजबूर हो गए लोगों का, लेकिन फिर भी सुधर गए सभी, पता नहीं कैसे आप लोग सुधरे। और यहाँ तक कि कभी कभी तो 1 रुपया भी नहीं दिए, पूरी तरह से आपने काम किया। और मेरे तो शब्द कभी कभी ऐसे ऐसे होते थे जो आप लोग कहते थे कि सर आप लोग
हमें भी याद करेंगे और वो दिन आ भी गया। हमने आप लोगों को इधर व्यवहार देखा, बहुत अच्छा रहा आपका, लग रहा था कि पूरी तरीके से एक मानवता खत्म हो रही क्लास में वो बना, और आप लोगों ने भरपूर प्रेम से क्लास को किया, पूरी तरीके शांति भी बनाया लास्ट में, बात नहीं। और धीरे धीरे आपको पता चला यहाँ पे एक जनवरी नहीं, एक जनवरी का भी समय आया, वो भी बड़े हर्षोल्लास के साथ, जब सभी बच्चों ने अपना खाना बनाया, खुद से एक रसोई का काम भी किया, और सबों ने बेहतरीन एक संस्कृति का, मेल मिलाप का, भाईचारा का, और लगा उस दिन हमें कि हम लोग कहीं ना कहीं एक परिवार के अंतर्गत, कभी महसूस नहीं हुआ कि आप लोग कहीं अलग से आते हैं, हमें लगा कि ये समय दिन भर जो हमारे परिवार के सदस्य आते हैं, शाम होती है तो अपना कमाने जाते हैं, सुबह में फिर यहाँ पे चले आते हैं परिवार के साथ, और यही चलते रहा सिलसिला। एक जनवरी का बेहतरीन समय, हम लोगों ने खूब उस दिन गाना का भी नहीं प्रयोजन किया, और उसके बाद धीरे धीरे एक और समय आया, एक बहुत बेहतरीन समय जीवन में, आप सभी के जीवन में, जब आप डॉक्टर रंजीत कुमार जो कि आईएएस का एग्जाम फेस करने वाले और क्वालिफाइड, वो भी यहाँ पे आए, और उस दिन तो आप लोगों ने कमाल कर दिया सारा संस्कृति नहीं, आप एक भारतीय संस्कृति का नजारा पेश किए, सारे लड़कियों ने एक साड़ी में पूरी भारतीय परंपरा को निभाते हुए, जो कहा जाता है बहुत सारे कोचिंग में ऐसा अपवाद आता है कि लड़कियां साड़ी नहीं पहन सकती है, घर से भी विरोध, लेकिन हमारे संस्कार शिक्षा को दिखाया, संस्कार एक शिक्षा को दिखाया, संस्कार को दिखाया, आपके माँ जो पिता है, माता पिता, उन्होंने कभी एक शब्द आज तक नहीं बोले, जो वहां पे सर बोलते हो ऐसा करते चले गए आप, क्योंकि विश्वास था उनको भी कहीं ना कहीं। और उस दिन सबसे बेहतरीन तो नजारा तब आया जब रोशन जी के नेतृत्व में संगीत कार्यक्रम जो पेश किया गया, तो हमें आशा नहीं था कि कोई गाना भी गाएंगे, लेकिन जब गाने लगे तो माइक छीनना पड़ता था नहीं, और लड़की लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली, खासकर लड़कों में तो ये चल रहा था, लेकिन लड़की का जब समय आया तो मैं खुद परेशान हो जाता था कि माइक छीन के किसको दूं, तो सारे लोग ये किए, और वह बहुत बेहतरीन समय था, वो भी दिन कटा और बेहतरीन ढंग से, वो यादगार क्षण में हम लोग को एक जीवन में शामिल हो गया, आपने बहुत सारा तस्वीर कैद करवाया, बनवाया भी नहीं, जो अभी तो नहीं पता चला, लेकिन जब दिन गुजरेंगे तो वो पूरा आपके सामने पिक्चर आएगा, और उस समय हम लोग शायद सामने ना हो, लेकिन दूर से ही हम लोगों की आवाज भी गूंजेगी कि अनिल सर कैसे डांटते थे, अनिल सर कैसे फाइन लेते थे, कुछ भी होता था अनिल सर को बुलाओ नहीं, तो ये एक ही लोग नाम क्या रखा सर, एक मीठा सर, एक तीखा सर, हम भी जब क्लास लेते रहते थे कुछ भी होता था हम सीधा बोलते थे अनिल सर को बुला के लाओ, तो तुम लोग बोलते थे कि सर मत बुलाइए नहीं, तो हम हर से प्रयास करते थे कि हम दोनों मिलकर इसका सलूशन करें, और कभी लगा नहीं क्योंकि हम दोनों एक भाई की तरह और हर तरीके से मिलजुल कर काम कर रहे, बहुत सारे जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया कि हम लोग बिछड़ जाए, कहीं और संस्था बोले, लेकिन सबको हम लोगों ने जाना, समझा और एक रहे, और इसमें सबसे बड़ी हाथ रही आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने सहयोग दिया, और प्लस पढ़ाई में भी अव्वल, आपने टेस्ट में भरसक प्रयास किया, और आखिर वो दिन आज आ गया जब मन तो नहीं कर रहा है कि आप लोगों के सामने से विदा ले, सुनो, और एक ऐसा समय है जब आप किसी भी परिस्थिति में ढल जाते हैं, और वहां से जाने का जो गम होता है वो तो एक वही जान सकता है जब नई दुल्हन कोई आती है, और जब अपने पति से विदा होती है, या पति उसका कमाने के लिए बाहर जाता है, तो वो जो दर्द होता है शायद वो किसी और को होता हो, तो हम लोगों का जो एक दर्द है, एक ऐसा दर्द है जो चाहकर भी हम मिटा नहीं पाएंगे, और खासकर यह जो ऐसा समय आ गया है अभी, तो अब तो जी करता है कि भरपेट रो ले और फिर ऐसा समय ना आए, लेकिन फिर भी हम लोग एक आशा में जी रहे हैं कि विदा होना क्या है, ये तो कुछ पलों के लिए आप दूर जा रहे, फिर आएंगे तो नहीं, मिलना जुलना तो जिंदगी का एक दस्तूर है और वो चलते रहता है, तो और ये सत्य है, करवा सत्य है, जिसे सबको पालन करना पड़ता है, जिस तरीके से आप आए और उसी तरीके से फिर जाने वाले हैं, आने का खुशी तो बड़ी अच्छा लगता है, जी करता कि रहे सब दिन, लेकिन कभी ना कभी तो जाना ही है सब,
कभी कमाने के लिए जाना पड़ता है, कभी नौकरी के लिए जाना पड़ता है, तो कभी शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। यानी और हम लोगों का एक समय आया जब चुकी 12वीं कक्षा का एग्जाम सामने आपका नहीं, और 12वीं कक्षा का एग्जाम सामने आने के कारण और चुकी ये अंतिम, आज आपको पता है 30 जनवरी, कल रविवार 31 जनवरी है, तो आज विदाई समारोह जिसमें आपकी यादें हमें भी रुलाएगी, आपके एक एक क्षण एक एक पल, वो प्रेम, वो मेल मिलाप और वो खट्टी मीठी बातें सब हमारे साथ रहेगी, और चाहकर भी आप जुदा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमने आपके तस्वीर को कैद कर दिया है। और कहता है कि आदमी भले ही बूढ़ा हो जाए, मन जरूर जवान रहे, लेकिन तस्वीर कभी न बूढ़ा होता न जवान होता है, वो अपने अवस्था को बनाए रखता है और वही यादें आएगी। तो मैं विशेष तो अब सर को